बड़ी मेहनत से खीर बनाई है ना। मीत ने कहा ना खीर ने थोड़ी ना पता है कि मीत ने खाई की मीत ने, तो मैं खा लेती हूँ, बताती हूँ तन्ने कैसी है। बड़ी स्वाद खीर बनी है, दादी तो गई हो, बहुत ही बढ़िया बनाई है हमेशा की तरह। What do you mean by that? तन्ने ना बचपन से जानती हूँ, मीत और आंटी जी ना जानते, पर तू कब के चालाकी कर सकती है सब जानती हूँ। देखते ही समझ गई थी कि यो खीर तूने ना दादी ने बनाई है, झूठ बोल के चीटिंग मैंने ना तूने की। Shut up. चीटिंग मैंने की है? बबीता आंटी ने क्या कहा था, खीर खुद से मंगवाओ या बाहर से लाओ? बात खीर लाने की हुई थी, मैं लेके आ गई ना खीर, और तूने क्या किया, खीर की जगह चाय ले आई। चीटर, चीटर, धोखेबाज, ऐसे शब्द ना तेरे मुंह से किसी और के लिए बिल्कुल अच्छे ना लगते, तेरे ऊपर ही सूट करते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं पत्नी हूँ नीत अलावत की, अपने पति को जीतने के लिए कोई भी रास्ता अपनाऊंगी। मन्ने ना अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पति ने कब के चाहिए होता है, तो तू ना अगला चैलेंज जरा ध्यान से देखी। वो क्या है ना कि मेरा और मेरे पति का दिल से दिल का वायरलेस कनेक्शन हो रखा है। अच्छा? हाँ, तन्ने यकीन ना हो रहा। अच्छा तू देखियो, मैं ना 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करूंगी, गिनती खत्म होने से पहले ना मीत मन्ने आवाज दे, 5, 4, 3, 2, 1। मीत, मीत। गुस्सा, कहा था ना तेरे ते आवाज देगा, तो दे दी। मीत जल्दी आओ। अच्छा मैं ना अपने पति के पास जाती हूँ, नहीं तो मेरा पति ना अपनी पत्नी ने आवाज दे दे के पूरा घर ना सर पे उठा लेगा। Whatever. माता रानी, आप ते तो कुछ ना छुपा, आप तो जानती हैं कि मैंने जानबूझकर दौड़ू राम की क्रीम की डब्बी खोलकर उसमें अपनी क्रीम मिला के उसने खराब कर दिया, ताकि वो चीख मार कर मन्ने पुकारे। मानूसी दीदी जैसी मतलब ही छोड़ी ना सबक सिखाने के लिए, मन्ने सारे पैंतरे अपनाने पड़ रहे हैं। मन्नु दीदी ने पहले दौड़ू राम का बहुत दिल दुखाया है, इब मैं उसने कोई नई चोट ना देने दूंगी।